दिवाली पास आ रही है और इस मौके पर कबूल है वाली जोया, नजमा और इमरान से जब हमने ये पूछा कि वो अपने आप को कौन से पटाखे से कंपेयर करेंगे, तो सुनिए तीनों का जवाब। अच्छा, सुबह जाना चाहेंगे, दिवाली आ रही है और अगर आप तीनों को अपने आप को एक एक पटाखे से कंपेयर करने के, बम से कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो कौन कौन से पटाखे चलाएंगे? सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने पिछले 6 सालों से मैंने और मेरे भाई ने पटाखे नहीं चलाए हैं। वी आर टोटली अगेंस्ट क्रैकर्स क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। सो मुझे लगता है कि एक्टर्स को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप प्लीज़ यार इस बार दिवाली पे पटाखे मत चलाइएगा, और चलाइएगा तो कम चलाइएगा, बिकॉज पटाखों से कोई फ़ायदा ही नहीं है यार, इतना पोल्यूशन होता है। मैं तो अपने आप को ओवरऑल को पटाखा बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है ठीक है यार पटाखा, लेकिन पटाखे चलाइएगा मत। ये बिना पोल्यूशन वाला पटाखा वाला है। मैं कौन सा पटाखा हूँ यार? मैं आई गेस वो अनार, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मुझे लगता है कि चल ठीक है, हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर एकदम वोल्केनो की तरह मैं एरप्ट हो जाती हूँ। टमाटर कैसे, टमाटर को क्या देंगे आपको? ये पटाखा ही नहीं है। फुलझड़ी, फुलझड़ी अनार जलाती है, जमीन चक्की जलाती है, फुलझड़ी की वजह से सारे क्रैकर्स क्रैकर्स जल जाते हैं। मैं तो अपने आपको डायनामाइट बोलूंगा क्योंकि नजमा के ऊपर फूट चुका हूँ, निखत के ऊपर फूट चुका हूँ, तनवीर जो मेरे ऊपर फूट चुकी है, तो आप तनवीर से पूछिए वो कौन सा पटाखा है। जो सब बोलेंगे जोया कौन सी पटाखा, जोया तो सुतली बम नहीं है, जोया तो अनार है, अनार कबूल है की रोशनी। To watch more, subscribe to youtube.com/teletalkindia.